तो दोस्तों सर्जी क्लासेस में आपका स्वागत है। यहाँ पे मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि जो भी प्रीवियस ईयर में आरआरबी जेई के क्वेश्चन साइंस क्वेश्चन आए हुए हैं वो यहाँ पे मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है। तो हम लोग अपना सेशन जो है ये आपका सेट थ्री होगा, ठीक है, सेट थ्री है। इसके पहले दो सेट करवा चुके हैं, तो जो लोग भी अभी चैनल पर नए हैं तो वो जाकर जो है स्टार्टिंग से सेट वन सेट टू आप जो है रेगुलर कीजिए, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कुछ कुछ जो मतलब कि कंसेप्ट हैं उस कंसेप्ट पे बराबर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप यदि फर्स्ट से स्टार्ट कीजिएगा तो वहाँ पे मैं कुछ कंसेप्ट बताया हूँ, शॉर्ट में ही बताया हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं है, इसीलिए मैं आपको पूरा ये क्वेश्चन शॉर्ट में ही करवा रहा हूँ। जितना हो सकता है मैं आपको जो है कम टाइम में ज़्यादा देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप भी जो है अपने तरफ से जो है पूरा एफर्ट लगाइए, आपके पास टाइम भी बहुत कम है, तो जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप फायदा उठा सकें, ठीक है। अब हम आपसे बात करेंगे आज सेट थ्री के क्वेश्चन को, आप भी जो है इसको जो है सॉल्व करते रहिएगा मेरे साथ ही। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया गया क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट ऑफ वेट 49 न्यूटन इज एक्सीलरेटेड अक्रॉस अ लेवल ऑफ सरफेस एट 0.20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, यानी कि जो नेट फोर्स है जो मतलब ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पे लग रहा है वो कितना लग रहा है, ये चीज आपको निकालनी है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, यहाँ पे वेट दिया गया है। आप जानते हैं वेट इज इक्वल टू क्या होता है, आपका एम जी होता है, ठीक है। और ये जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, आपका 49 दिया गया है, 49 न्यूटन होता है फोर्स, और आपका जो है वेट दोनों का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, ये भी आप जो है याद रखिएगा। यहाँ पे एम है और यहाँ पे जो है जी है, जी की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे 9.8 है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। एम की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लीजिए, तो एम की वैल्यू जब आप निकालिएगा तो ये क्या हो जाएगा, आपका ये दो बार में कैंसिल आउट हो जाएगा और नीचे ये 10 आएगा, पॉइंट जब बताइएगा तो ये कितना हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा, यानी कि एम की वैल्यू आप देखिएगा तो कितना आ जाएगा, ये 5 केजी आ जाएगा, ठीक है। ये क्या आएगा, आपका 5 केजी आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए यहाँ पे आपसे जो पूछा जा रहा है फोर्स कितना एक्ट करेगा उस बॉडी पे, तो ये क्या होता है, एम इंटू ए होता है। तो मास यहाँ पे कितना है आपका, 5 केजी है, और ए यानी कि यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन दिया हुआ है वो कितना दिया है यहाँ पे, तो 0.2 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप 0.2 कर लीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका, 1.0 हो जाएगा, ये आपका न्यूटन होगा, ठीक है, क्योंकि एम के एस में है ये, तो ये सारा चीज सेम यूनिट में चलेगा, तो ये चीज आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप भी ट्राई करते रहिए साथ साथ में, ताकि आपका भी जो है पूरा कंसेप्ट रिकॉल होता रहेगा। देखिए यहाँ पे दिया गया है, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज 16 न्यूटन, ऑन द सरफेस ऑफ द मून इट्स वेट विल बी। तो देखिए ये आप जानते हैं कि जो अर्थ पे जो वैल्यू होता है जी की, ठीक है, वो क्या होता है आपका मतलब 9.8 होता है, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जो आपका मून पे होता है, यदि हम मून पे यदि ग्रेविटी आपका जी की वैल्यू की बात करें, ठीक है, तो वो कितना होता है, जो अर्थ का जो जी की वैल्यू होती है उससे 26 होता है ये। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि आप जानते हैं कि यहाँ पे दिया गया है ये आपका क्या है, वेट दिया गया है, और वेट जो होता है आपका किस पे डिपेंड करता है, आपका जी की वैल्यू पे डिपेंड करता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, यहाँ पे वो आपका यहाँ पे जो दिया गया है मतलब कि 60 न्यूटन दिया गया है, तो जी की वैल्यू पे ही डिपेंड करेगा। तो जी की वैल्यू यदि मान लेते हैं आपका जी 26 हो जाएगा, तो आपकी जो वेट होगा वो भी क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, वो 10 हो जाएगा, क्योंकि जी की वैल्यू पे ही डिपेंड करता है, मास तो हर एक जगह आपका कॉन्स्टेंट रहता है, तो वहां से आप निकाल सकते हैं बहुत इजिली। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 10 न्यूटन हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम यहाँ पे आपसे। देखिए यहाँ पे जो है आपको बोला जा रहा है कि श्याम पुशेस अ बॉक्स ऑफ 10 मीटर ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस अप्लाइंग अ 30 न्यूटन ऑफ द फोर्स पैरेलल टू द सरफेस, द वर्क डन कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे मतलब कि कोई बॉक्स है, ठीक है, और इसको जो है हॉरिजॉन्टली इसको मतलब कि क्या किया जा रहा है, ये हॉरिजॉन्टली इसको जो है मतलब कि पुश किया जा रहा है, तो ये कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। सपोज ये बॉक्स यहाँ पे आ गया, यहाँ से यहाँ ये जो है यहाँ डिस्प्लेसमेंट जो है यहाँ पे 10 मीटर हुआ, और जो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है बिकॉज यहाँ पे ये फोर्स लगाया गया है आपका 30 न्यूटन का फोर्स लगाया गया है, तो पूछा जा रहा है कि यहाँ पे जो है वर्क डन क्या होगा। तो वर्क डन जानते हैं आप फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है,
तो यहाँ पे जो है फोर्स आपका 30 न्यूटन का दिया गया है और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है यहाँ पे 10 हो रहा है, तो यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा 300, क्योंकि इसका जो यूनिट होता है जूल होता है। आपको यूनिट को भी ध्यान में रखना है, जिस तरह से यूनिट दिया रहता है उसी यूनिट में सबको कन्वर्ट करके लाना होता है। यदि दिया है तो ठीक है, नहीं तो आप किसी एक यूनिट में जरूर लाने की प्रयास कीजिए। न्यूमेरिकल में ये चीज जो है हमेशा ध्यान रखना होगा आपको, कहीं कहीं आपको थोड़ा सा यूनिट का इधर उधर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम यहाँ पे आपसे, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो बोला जा रहा है, अ साउंड वेव पासेस अ पॉइंट ऑफ द ऑब्जर्वेशन एट द पॉइंट द टाइम इंटरवल बिटवीन द टू सक्सेसिव क्रेस्ट्स 0.02 सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वेव इज करेक्ट। तो देखिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और मैं आपको बताया हुआ था, उस वाले में एम्पलीट्यूड पूछा गया था। सपोज कि ये आपका क्या है, एक साउंड वेव है, ठीक है, और ये जो आपका होता है, ये आपका जो होता है वो क्या होता है, आपका क्रेस्ट होता है। तो ये जो है दो सक्सेसिव क्रेस्ट, सपोज ये आपका एक क्रेस्ट हो गया, दूसरा ये हो गया, तो इन दोनों के बीच का जो है ये क्या दिया है, टाइम दिया गया है, ठीक है, कब मतलब ये यहाँ पे हाई लेवल पहुंच रहा है और ये जो है मैक्सिमम अपना पहुंच रहा है। तो दो सक्सेसिव क्रेस्ट के बीच का जो है टाइमिंग कितना है आपका, टी इक्वल टू जो दिया गया है वो 0.02 सेकेंड है। मैं आपको बताया था कि जो फ्रीक्वेंसी होता है वो क्या होता है, 1/T होता है। तो आप जब ये वैल्यू रखिएगा 0.02, तो ये ऊपर क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, ये वाला 10 जो आपका पॉइंट है डेसिमल हट जाएगा, और ये राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 50 हर्ट्ज हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे जो दिया गया है वो क्या आपका यहाँ पे 50 हर्ट्ज दिया गया है, यानी कि फ्रीक्वेंसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे आपसे हम, यहाँ पे दिया गया है कि टू रेजिस्टेंस ऑफ द 3 ओम एंड द 6 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द कॉम्बिनेशन इन टर्न इज कनेक्शन इन द सीरीज विद द 2 ओम रेजिस्टेंस एंड 6 वोल्ट बैटरी, द करेंट इन द 2 ओम रेजिस्टेंस। तो देखिए यहाँ पे आपको करेंट बताना है कि 2 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस करेंट कितना है। जैसे जैसे बोला गया है सबसे पहले आप वैसे कर लीजिए। यहाँ पे ये जो है 3 ओम का रेजिस्टेंस और ये जो है आपका कितना है 6 ओम का रेजिस्टेंस है, आपस में इनको पैरेलल कनेक्ट किया गया है। तो आप इसका जो इक्विवेलेंट निकालिएगा, यानी आर इक्विवेलेंट निकालिएगा, तो कितना हो जाएगा, ये आपका 36/18 हो जाएगा बाई 9, यानी कि ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। आपको मालूम ही होगा आर इक्विवेलेंट R1 इंटू R2 अपॉन में R1 प्लस R2 से निकालते हैं, वही चीज मैं किया हूँ यहाँ पे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया हूँ, ठीक है। तो ये आया आपका इक्विवेलेंट कितना आया, 2 आया, ठीक है। इसके बाद बोला जाए जो कॉम्बिनेशन आ रहा है उसको हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं सीरीज में 2 ओम रेजिस्टेंस से। सपोज ये हमारा अभी नया वाला जो रेजिस्टेंस आया हुआ है और इसको हम सीरीज वाले जो पहले से हमारे पास था रेजिस्टेंस उसके साथ हमने कनेक्ट किया है यहाँ पे। उसके साथ ही यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि आपको जो है 6 वोल्ट की बैटरी जो है इसमें कनेक्ट कर दिया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। करेंट आपको बताना है कि 2 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस क्या होगा, तो यहाँ पे इस वाले ओम के मतलब कि 2 ओम के रेजिस्टेंस का जो पहले से है उसके साथ करेंट कितना है वो बताना है आपको। तो आपको ये चीज एक प्रॉपर्टी मालूम होनी चाहिए कि सीरीज में जो करेंट जो होता है वो सेम होता है, ठीक है, और पैरेलल में जो करंट होता है वो क्या था अलग अलग होता है। वोल्टेज जो होता है सीरीज में आपका वो अलग अलग होता है और पैरेलल में क्या होता है सेम होता है। तो ये चीज बेसिक चीज है जो कि मैं बोल रहा हूँ, आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं यहाँ पे, मतलब कि आपको मैं जो बोलता हूँ उसको आप नोट डाउन करते चलिएगा तो आपके लिए बहुत ज्यादा ही फायदा रहेगा। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, आप जानते हैं कि आई इक्वल टू क्या होता है V/R होता है, V की वैल्यू 6 है और आप जो R की वैल्यू देखिएगा सीरीज में ऐड हो जाते हैं, R इक्विवेलेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, R इक्विवेलेंट जो होगा R1 प्लस R2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 और 2 कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4 यहाँ पे रख दीजिएगा तो आपका जो राइट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा आपका 1.5 आ जाएगा, ठीक है, एम्पियर। आप जो है यूनिट को जो है ध्यान में रखते रहिएगा क्योंकि यूनिट भी कहीं कहीं जो है लोचा कर देता है, आप हड़बड़ी में जब रहते हैं और यूनिट को नहीं देख पाते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो दिया गया है सिंपल, ये आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आप इसको अटेम्प्ट कीजिएगा। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, बस इसको क्या करना है आपको बैलेंस करना है। तो जितना जो है मास ऑफ लॉ ऑफ जानते हैं लॉ ऑफ मास जो दिया गया था उसी के अनुसार ये होता है, यानी कि जितने एलिमेंट आपके इधर होंगे वही एटम जो है उस एलिमेंट के एटम इधर LHS में और आपका RHS दोनों बराबर होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप जो है खुद से कीजिएगा, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। और वैसे मैं आपको बता ही दिया हूँ, यदि देखिए यहाँ पे बता भी देता हूँ, हो सकता है कई लोग यदि अभी स्टार्टिंग कर रहे होंगे तो उनको दिक्कत हो सकती है। देखिए यहाँ पे क्या है कि आपको देखना है कि जैसे कि यहाँ पे MN है, ठीक है,
MnCl2 और यहाँ पे 2H2Cl2, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए बैलेंस करने के लिए यदि क्लोरीन का हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे चार एटम है क्लोरीन का, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन का एटम कितना है, केवल एक है। तो यहाँ पे हमको क्या लगाना पड़ेगा, चार लगाना पड़ेगा। अब आप देखिएगा तो देखिए क्लोरीन का चार एटम हो गया, यहाँ पे Mn का जो है आपका पोटेशियम का, पोटेशियम पर मैग्नेट का जो है आपका कितना है, एक है। तो यहाँ पे भी जो है कितना है, एक है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा। तो अब देखिएगा कि आपका बैलेंस हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं आपसे, तो देखिए यहाँ पे बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज लस्टर इन नेचर। से देखिए एक चीज मैं पिछले वाले लेक्चर में आपको बताया था कि जो मेटल होते हैं उनके क्या होता है, लस्टर होता है। जो मेटल होता है उनमें शाइनिंग होती है, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग लस्टर बोलते हैं। यहाँ पे देखिएगा तो कार्बन, आयोडीन, सल्फर, नाइट्रोजन, ये सारे के सारे क्या है, नॉन मेटल है, ठीक है। लेकिन ये जो आयोडीन होता है एक्सेप्शनल होता है, इसमें क्या होता है, लस्टर की प्रॉपर्टी होती है। होता ये नॉन मेटल है लेकिन इसमें क्या होता है, लस्टर की प्रॉपर्टी होती है। तो इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन जो है पहले सेट में भी पूछा गया था, थोड़ा सा मतलब अंतर था। तो ये चीज यदि आप पहले सेट से यदि सीखे होंगे तो यहाँ पे आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं यहाँ पे आपसे, तो देखिए यहाँ पे आपका दिया गया है इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में आपको बताना है। देखिए इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में हम आपको पहले ही लेक्चर में जो है बताए हुए थे यहाँ पे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है, एक्चुअली फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। देखिए इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रो जो पॉजिटिविटी होती है वो होती है कि जो आपके मेटल हो या कोई भी एलिमेंट हो, इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो टेंजेंसी होती है उसको हम बोलते हैं उसका इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी। सपोज मैं एक यहीं पे एग्जांपल ले रहा हूं आपको समझाने के लिए ताकि आप समझ सके। सपोज कि ये वाली मैं बात कर रहा हूं, जैसे कि यहाँ पे लिथियम है, ठीक है, यहाँ पे जो है आपका सोडियम है और यहाँ पे क्या है, पोटेशियम है। यदि इसकी बात करूंगा तो ये क्या होगा, थ्री होगा। इसका जो है आप जानते हैं कि 11 होता है एटॉमिक नंबर, और इसका कितना होता है आपका, ये पोटेशियम है ये आपका 19 होता है, ठीक है। जब आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा तो आप देखिएगा कि यहाँ पे जो है ये 2-1 होगा, ठीक है। इसका जब लिखिएगा तो 2-8-1 होगा, और यहाँ पे देखिए आप ये लिखिएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका 2-8-8, और ये क्या हो जाएगा आपका 1 होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 होगा। ये जो आपको दिखाता है ये क्या सेल दिखाता है, जैसे कि आप जानते हैं कि के एल एम एन ये आपका सेल होता है, जिसमें कि आप के वाले में 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, एल वाले में क्या है ये आपका 2n² से रखते हैं, तो आपका इस वाले में क्या हो जाएगा 8 रख सकते हैं। इसी तरह से आगे जो है इस तरह से आपका बढ़ता जाता है, 2n² किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन हो सकता है, इसके लिए 3 हो जाता है तो ये कितना हो जाता है 18 हो सकता है इसमें, इसी तरह ये आगे बढ़ता रहता है, ठीक है। n की वैल्यू इसके लिए 4 हो जाएगी तो ये 16 और ये 2 32 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि जैसे आप यहाँ से ग्रुप के लिए मैं बात करता हूँ, तो ग्रुप में क्या है कि आप जब ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ते हैं, इस वाले का एक्सेप्शनल है, इस वाले को हाइड्रोजन को इंक्लूड मत कीजिएगा, इसको मेटल है, नॉन मेटल है लेकिन मेटल कैटेगरी में रखा गया। तो आप यहाँ से देखिएगा तो जैसे ही आप नीचे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो है सेलों की संख्या क्या हो रही, बढ़ रही है, यानी ऑर्बिट जो है बढ़ रहा है। यहाँ पे यदि मैं आपको छोटे में यहाँ पे समझाऊं, ठीक है, आप यहाँ पे देखिएगा तो सपोज ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये आपका फर्स्ट ऑर्बिट और ये है आपका क्या है सेकेंड ऑर्बिट। यहाँ पे यदि हम बात करते हैं कि जो आपका प्रोटोनों की संख्या होगी वो कितना होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है और एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो है प्रोटोनों की संख्या कितनी होगी, यहाँ पे आपके पास वो आपका 3 होगा, ठीक है। अब प्रोटॉन जो होते हैं पॉजिटिव इन नेचर होते हैं, इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, ये सारे क्वेश्चन जो है आपको बहुत ही मिलेंगे, इसीलिए मैं यहाँ पे आपको कंसेप्ट बता देना चाहता हूँ। और देखिए यहाँ पे ये आपका पॉजिटिव इन नेचर, ये आपका न्यूट्रॉन मतलब कि आपका न्यूक्लियस है, और ये जो है ऑर्बिट है, तो ये फर्स्ट वाले में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और ये आपका यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, ये आपका लिथियम का ये जो है ये आपका ऑर्बिट सेल में बनाया हूँ, ठीक है। एक मैं यहाँ पे जो है जगह कम है लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक बनाकर दिखाता हूँ। सपोज ये वाला जो है आपका सोडियम का है, तो सोडियम का यहाँ पे 11 है, ठीक है, यहाँ पे
जो प्रोटोनों की संख्या, और इसमें जो है सीएल कितना है, यहाँ पे सीएल जो है यहाँ पे तीन सेल है, ठीक है। इसी तरह यह सोडियम का है, इसी तरह आप जब आगे बढ़िएगा तो इस वाले में कितने सेल हो जा रहे हैं, चार सेल हो जा रहे हैं, आप देख रहे हैं ये चार सेल हो जा रहे हैं। यानी कि जब आप ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं तो क्या होता है कि सेलों की संख्या बढ़ती जाती है, ठीक है। तो सेलों की संख्या बढ़ती जाती है तो इससे रिलेटेड आप चार पांच जो है जो प्रॉपर्टी है वो ध्यान, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ध्यान से उसको आप लिख लीजिएगा और समझ लीजिएगा क्या क्या प्रॉपर्टी है। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि इनका जो एटॉमिक साइज है वो क्या हो रहा है। एटॉमिक साइज आप देखिएगा, जैसे कि आप लिथियम में यदि ग्रुप की मैं बात कर रहा हूँ तो एटॉमिक साइज क्या हो रही है, ये बढ़ रही है, क्योंकि आप जो है देख रहे हैं ये सेल क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। पहले ये थे, अब यहाँ पे जैसे ही लिथियम से सोडियम आया तो आप देख सकते हैं तीन सेल हो गए हैं, फिर इसके बाद जब आप पोटेशियम पे जाएंगे तो चार सेल हो जाएगा, और इसी तरह आगे बढ़ते रहिएगा तो सेलों की संख्या क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो एक क्लियर आप लिख लीजिएगा कि जब आप ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं तो क्या होता है कि आपका एटॉमिक साइज जो होता है, एटम की जो साइज होता है वो क्या होता है, बढ़ता है, या एटॉमिक रेडियस जो होता है वो क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। दोनों चीज एक ही है, थोड़ा सा अंतर है लेकिन आपको यहाँ पे सेम मिलेगा, क्योंकि जो रेडियस भी मेजर किया जाता है वो कहाँ से किया जाता है, न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट सेल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। क्योंकि ये बढ़ रहा है तो दोनों चीज बढ़ेगा, एटॉमिक साइज बढ़ेगा और आपका रेडियस बढ़ेगा, एटम का जो है रेडियस बढ़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे जो बात कर रहे हैं हम आपसे, पहला तो ग्रुप का आपका हो गया एटॉमिक साइज को लेकर, और यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का जो कंसेप्ट होता है वो क्या होता है कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है, चाहे मेटल है, ज्यादातर जो मेटल होते हैं वही इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है वो किसमें होती है, वो केवल मेटल में होती है, अदर आपके नॉन मेटल में नहीं होती है, और न ही आपका जो है आपका मेटलॉइड में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आप देखिएगा कि ये न्यूक्लियस के पास जो है थ्री प्रोटॉन है, और इसके साथ जो है ये इलेक्ट्रॉन जो है आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या है कि इसके साथ बहुत करीबी के साथ जो है इसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसको, इस इलेक्ट्रॉन को जो है बाहर निकालने के लिए हमको एनर्जी देना पड़ता है, जिसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको इससे अलग करने के लिए जो है आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा देना पड़ेगा, और ये जो है अपना इलेक्ट्रॉन जो है मतलब कि तेजी से या जल्दी से जो है वो क्या करेगा कि वो लूज नहीं करेगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे जो है आपका जो चार्ज है, न्यूक्लियस चार्ज है, इस इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके मजबूती से रखा हुआ है। तो यानी कि इस, ये जो इलेक्ट्रॉन है अपने लूज, जो इलेक्ट्रॉन जो लूज करने की टेंडेंसी है उसकी, ये कम होगी एज कम्पेयर टू सोडियम, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि ये जो है आप देख रहे हैं आउटर मोस्ट डिस्टेंस, आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, उसको उसका जो डिस्टेंस न्यूक्लियस से जो है वो ज्यादा दूरी पे है, ठीक है। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस का जो चार्ज है, चार्ज ऑफ एट्रैक्शन दोनों के बीच में क्या होगा, कम होगा, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया है। तो यहाँ पे जो है आपको आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम लगेगी और इजिली जो है ये एस्केप कर जाएगा आपका जो आउटर मोस्ट सेल से। तो ये जो होगा इसकी जो टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन लूज करने की वो ज्यादा होगा, और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और ये जो है लिथियम पे भी आएगा पॉजिटिव चार्ज। लेकिन यहाँ पे कंपैरिजन की बात की जा रही है तो कौन सबसे पहले मतलब कि अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, तो जो मतलब एलिमेंट जितना ही ज्यादा सेल का होगा उतना ही जल्दी उससे इलेक्ट्रॉन जो है मतलब कि वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है और पॉजिटिव नेचर में बन सकता है। और यही चीज यहाँ पे आपके इलेक्ट्रो पॉजिटिव की बात की जाती है। तो आप जब ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो क्या होता है कि इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी जो है बढ़ती जाती है, यानी कि मेटल की प्रॉपर्टी जो होती है आपकी बढ़ती जाती है। तो आपको यहाँ पे सब कुछ मैं बता दे रहा हूँ, आप जो है सही से नोट डाउन कर लीजिएगा। मेटल की प्रॉपर्टी क्या होगी, जब आप ऊपर से नीचे, ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, मेटल वही होता है जो कि मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होता है। तो आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो वो बढ़ती जा रही है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की लूज करने की जो टेंडेंसी होती है वो बढ़ती जा रही है। इसलिए ये क्या होगा, मेटेलिक प्रॉपर्टी, ऊपर से नीचे आइएगा तो बढ़ेगा और आपका जो है जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होगा वो भी क्या होगा, आपका बढ़ेगा, ठीक है। तो ये आप तीन जो है प्रॉपर्टी आप जो है लिख लीजिएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की मैं बात कर देता हूँ, तो देखिए जो मेटल होते हैं वो आपको
इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होते हैं, और जो ये नॉन मेटल आप देख रहे हैं ये जो है सारे के सारे जो इस कलर से जो शो किए गए हैं ये नॉन मेटल हैं, तो ये जो होते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इन नेचर होते हैं। तो इनमें क्या होता है, टेंडेंसी इनकी जो होती है वो गेन करने की होती है। सपोज क्लोरीन के पास जो होता है, आप जानते हैं ये आपके इसके पास 17 होता है, तो आप देखिएगा तो 2, 8 और ये कितना होता है 7 होता है, तो ये मतलब बहुत तेजी से क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही इसके पास आएगा वो गेन कर लेगा, और गेन करने के बाद ये क्या बना लेता है, ये माइनस मतलब कि ये निगेटिव चार्ज इस पे आ जाता है। तो जो भी नॉन मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रोनिगेटिव इन नेचर होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन की गेन करने की जो कैपेसिटी होती है वो उनकी ज्यादा होती है। तो आप देख सकते हैं आप इजिली कि आप जब लेफ्ट टू राइट यदि मूव कीजिएगा यानी पीरियड में किसी, तो वहां पे क्या होगा कि आप यहां से देखिएगा कि ये चूंकि मेटल है ठीक है, तो ये तो आपका जो है गेन तो करेगा नहीं, ये तो लूज करेगा। जो गेन होगा वो कहाँ होगा, ये यहां से स्टार्ट होगा गेन करने की प्रॉपर्टी, यानी कि लेफ्ट टू राइट आइएगा तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगी वो क्या होगी आपकी, वो बढ़ती जाएगी। इधर जाइएगा तो क्या होगा, बढ़ने लगेगा। वही चीज यहाँ पे आपका बताया गया है। तो मैं आपको चार पांच जो प्रॉपर्टी बताया हूँ बहुत ही मतलब की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, और इसपे ज्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप इसको जो है मतलब अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। यदि एक बार समझ में ना आए तो वीडियो को फिर से आप पॉज करके देख लीजिएगा ठीक है। यहाँ पे जगह नहीं है इसीलिए मैं आपको यहीं पे बता दिया हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो क्वेश्चन था, तो यही बताया जा रहा था कि मतलब क्या होगा, तो इंक्रीजिंग इन मूविंग फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, और ये आप पीरियोडिक टेबल से अच्छी तरह से देख लीजिए बाई कंसेप्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं आपको से यहाँ पे बात कर रहा हूँ ठीक है। तो नेक्स्ट कंसेप्ट आपका यहाँ पे है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे कि जो आपका सी एच बॉन्ड होता है इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ एथनोइक एसिड, तो उसमें कितना होता है सी एच बॉन्ड। देखिए एथनोइक एसिड का जो फार्मूला है, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए सी एच थ्री सी ओ ओ एच होता है, ये आपका एथनोइक एसिड होता है। अब यहाँ पे यदि हम स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए जो बेसिक जो कुछ फंडामेंटल आपके फंक्शन ग्रुप होते हैं उनके बारे में मालूम होना चाहिए। देखिए यहाँ पे ओइक जो लगा रहता है ये आपका जो है शो करता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का, ओइक जो सफिक्स होता है, ओइक सफिक्स जो होता है आपको जो है वो शो करता है कार्बोक्सिलिक एसिड का ठीक है। इसी तरह जो ये आपका ये पूछा हुआ है जो आपका वन होता है ये आपका जो होता है केटोन का होता है। इसी तरह जो होता है ओ एल होता है ये किसका होता है, एल्कोहल का होता है। तो ये सारे जो मैं यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप बता रहा हूँ तो ये सारे इसके सफिक्स हैं, तो जब भी नाम लिखा जाता है तो ये जितने भी ग्रुप है उनके मतलब कि साथ में क्या होता है लास्ट में जो है ये सफिक्स जो है जोड़ दिए जाते हैं। तो आपको ये सफिक्स मालूम होने चाहिए कि किसका क्या होता है, जैसे ओइक का जो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है ओइक होता है, आपका केटोइन का वो मतलब वन होता है, एल्कोहल का ओएल होता है, एल्डिहाइड का एएल होता है, तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए ठीक है। तो यहाँ पे इसके साथ साथ इनका जो स्ट्रक्चर भी होता है वो भी यदि आपको मालूम रहेगा तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन का कर सकते हैं। तो देखिए ये आपका जो है ये सब कार्बन इट्स कंपाउंड चैप्टर में आपको मिलेगा, यदि आप पढ़े होंगे तो वहां पे जो है आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए इसका जो है फंक्शनल ग्रुप होता है डायरेक्ट, ये क्या होगा कि इसके यदि किसी भी साथ जैसे कि आपका कोई एल्केन का सीरीज हो या फिर एल्कीन का हो या फिर एल्काइन का सीरीज हो तो उसके साथ डायरेक्टली ये कनेक्ट हो जाता है ठीक है। उसी तरह मैं यहाँ पे आपका जो केटोइन है उसके बारे में यदि बात करूं तो उसका जो होता है वो होता है आपका ये आपका सी ओ ओ होता है यहाँ पे, तो ये डायरेक्ट इसके साथ जो है अटैच हो जाता है। इसी तरह ओ एच की बात करूं तो उसका कुछ इस तरह से होता है। तो ये सारे चीज मतलब कि आपको स्ट्रक्चर थोड़ा सा याद होना चाहिए ताकि आप जो है मतलब कि आंसर दे सके। तो यहाँ पे मैं एथनोइक की यदि बात करता हूँ तो देखिए यहाँ पे क्या है कि सी बॉन्ड है यहाँ पे और ये वाला ओ एच ग्रुप है, तो आपके साथ ये जो है मतलब कि कार्बोक्सिलिक एसिड का ये आपका एक तो ये कवर हो जाएगा ठीक है, ये वाला सी ओ एच बचा सी एच थ्री, तो इसके साथ क्या है यहाँ पे एक और यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, तो ये देख सकते हैं कि हाइड्रोजन और कार्बन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच कहाँ कहाँ कितने बॉन्ड है, तो ये वाला देख सकते हैं कि ये तीन बॉन्ड है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीन हो जाएगा। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है आप जो है देख लीजिएगा, और इस टाइप से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जा रहे हैं तो इसको मतलब आप रिकॉल कर लीजिएगा ठीक है। बाकी मैं बेसिक यहाँ पे आपको बता दिया हूँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे हम आपसे, देखिएगा यहाँ पे जो बोला जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है एट द एयरपोर्ट
suitcase was offloaded from the trolley and lay there till someone came and pushed away. यानी कि ट्रॉली से जो है आपका सूटकेस जो है क्या किया जा रहा है, मतलब उतारा जा रहा है और समवन जो है उसको क्या कर रहा है, पुश अवे कर रहा है. तो ये पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ न्यूटन्स लॉ मोशंस एक्सप्लेन दिस. तो देखिए यहाँ पे सूटकेस सबसे पहले क्या था, वो रेस्ट में था. जब इसको पुश किया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, मोशन में हो जाएगा. और ये आपका इनर्सिया का होता है एग्जाम्पल, और इनर्सिया जो होता है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है. तो आप इसको इजिली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हो जाएगा ये. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे हम आपसे कि देखिए आपका जो यहाँ पे दिया गया है कि ये, तो देखिए ये आपका इक्लिप्स हैपेंड बिकॉज लाइट. तो देखिए आपका जो चंद्र ग्रहण या जो सूर्य ग्रहण लगता है तो उसमें क्या होता है, तो उस वाले में जो होता है कि जो लाइट होता है वो मतलब कि एक सीध में आ जाता है. जैसे कि यदि हम बात करते हैं कि कभी कभी आप देखिएगा तो पृथ्वी के बीच में सूर्य और आपका जो है चंद्रमा, मतलब पृथ्वी जो होती है बीच में आ जाती है, सूर्य और चंद्रमा आ जाते हैं. तो ये जो होता है बेसिकली किसकी वजह से है, आपका स्ट्रेट लाइन की वजह से होता है लाइट के. तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ से हम आपसे. तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया गया है कि मैग्नेट अट्रैक्शन फीलिंग्स मेड ऑफ, तो किससे मिलकर बना होता है. तो ये जो होता है आयरन और स्टील का होता है. तो ये सब मतलब कि आपका एलॉय होते हैं, तो ये डायरेक्ट आपको याद रखना पड़ेगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम यहाँ से आपसे. जो ब्लीचिंग पाउडर इज मैन्युफैक्चर्ड थ्रू द रिलेशन बिटवीन, तो आपका ब्लीचिंग पाउडर बहुत मतलब अच्छा क्वेश्चन है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन थोड़ा बहुत घुमा के पूछे जाते हैं. तो इसमें देखिए आप जानते हैं कि जो ब्लीचिंग पाउडर होता है वो क्या होता है आपका CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या इसको सिलेक्ट लैम्प भी बोलते हैं, प्लस क्लोरीन को जब आप ऐड कीजिएगा तो ये आपका बनता है CaOCl2, और H2O जो होता है आपका बाहर निकलता है. ठीक है, तो ये जो होता है आपका ब्लीचिंग पाउडर होता है. तो यहाँ पे देखिए ये कॉम्बिनेशन जो होता है वो सिलेक्ट लैम्प प्लस क्लोरीन का होता है. यहाँ पे जो है सिलेक्ट लैम्प होगा, यहाँ पे एस होगा. ठीक है, तो सिलेक्ट लैम्प एंड क्लोरीन का ये रिएक्शन होता है. तो ये आपका राइट आंसर होगा, और इस रिएक्शन को आप याद भी कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. यहाँ पे दिया गया है कि आपका जो है LPG जो होता है वो सिलेंडर में मतलब कि क्यों भरा जा सकता है. तो उसके पीछे आपको मालूम होना चाहिए कि क्या रीजन हो सकता है. तो आप जानते हैं कि जो LPG गैस होता है वो क्या होता है, वो कंप्रेसिव इन नेचर होता है. उसको कंप्रेस करके हाई प्रेशर पे जो है सिलेंडर में भरा जाता है. तो यही उसका एक रीजन है कि सिलेंडर में उसको फिल किया जाता है. तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये थर्ड हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं यहाँ पे आपसे. तो दोस्तों तो यहाँ पे जो है आपका सेट 3 में जो आपके फिजिक्स केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे ये मैं आपको यहाँ पे करा दिया. नेक्स्ट आपका जो है सेट 4 होगा, और ये जो है कंटिन्यू चलता रहेगा. तो यदि आप नए चैनल पे हैं तो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिएगा, ताकि मेरा भी मोटिवेशन जो है मिलता रहे और बढ़ता रहे, ताकि मैं आपके लिए सेट लाता रहूँ इसी तरह से. थैंक यू दोस्तों.